इंडसइंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी आज आपको ले चलूंगा बॉलीवुड। जी हाँ, आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात द लेजेंड मौला जट की। हाँ, स्पेशल एक मुलाकात उनकी स्टारकार के साथ माहिरा खान, एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर। सबसे पहले देखते हैं इस मूवी का ट्रेलर और फिर बातचीत करते हैं माहिरा खान से। से पता के इस कहानी का अंजाम ये होगा। पहली बारी नत ते सामने एक शेर आया है। मौला मरण तो चले को इस मैदान का फैसला तो हम मौला ही कर सकते। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्हें तेरे तो ये तारे दूर ने। तेरी जित मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। माहिरा खान जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। अगर मैं सबसे पहले आपको मुबारक दूंगा क्योंकि ट्रेलर ने ये चीज तो प्रूफ कर दी कि किस तरीके से मजेदार हमें इंतजार है आपका 13 अक्टूबर का, क्योंकि बहुत ही शानदार, मैं कह सकूंगा इसको हॉलीवुड लेवल। जी थैंक यू सो मच। बट पता है मुझे इस बात से बहुत इख्तलाफ है कि जब भी हम पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज करते हैं तो हम कहते हैं कि इट लुक्स जस्ट लाइक हॉलीवुड और इट लुक्स जस्ट लाइक बॉलीवुड। To be very honest, I think Maula Jat looks very Pakistani, and I think hum apne liye ek bahut high bar khud set kar rahe hain, to ye bahut badi baat hai. And I hope ki jab iske baad aap aur filmein dekhenge aur isse log inspire honge to wo kahenge yaar what a Pakistani film that has come out. Aur dusri baat jahan aapne kaha ki bahut arse se log iska intezar kar rahe hain, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा ये जोक कहती थी बिलाल से कि व्हाट विल इट टेक फॉर दिस फिल्म टू रिलीज। अब आप वरुण को दिए मुझे बताएं, जब ये शुरू हुई थी तो हमारे एक एक्टर है, उनके आई थिंक दो सिर्फ बच्चे थे, उनका एक और बच्चा पैदा हो गया जब ये शुरू हुई थी। वजह से बिल्कुल सिंगल थे, ऐसे सिंगल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी शादी भी हो गई, उनका बच्चा भी पैदा हो गया। गौहर हैज आई कांट टेल यू व्हाट गौहर हैज यू नो डन दिस टाइम, ही विल टेल यू हिमसेल्फ। और मेरी बैक टू बैक फिल्म में आ गई। हम सब 4 साल बड़े हो गए, 5 साल बड़े हो गए। तो आप यस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारा वक्त गुजर गया है, और मगर आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, एंड आई होप दैट दिस इज द राइट टाइम, एंड आई होप पीपल लव इट एंड एंजॉय इट। मैं अगर आपको 4 साल पहले ले जाऊं, बिकॉज इस मूवी को आने में बहुत समय लगा है, सो अगर मैं आपको पहले ले जाऊं कि थोड़ा सा आप बताएं कि कोई बिहाइंड द सीन कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। आई थिंक जो मेरा पहला दिन था मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी जी। मुझे इस जुबान पे बिल्कुल अबूर नहीं है, मुझे एक्चुअली ये जुबान काफी हद तक पता नहीं थी। ऑफकोर्स सुनी हुई थी, गाने सुने हुए थे पंजाबी जुबान में, मगर वैसे बोली नहीं थी कभी, तो मेरे लिए ये मुश्किल था। और ऑफकोर्स बाकी सारे एक्टर्स के सामने और सबके सामने परफॉर्म करना, मेरा पहला जो सीन था वो एक मोनोलॉग था। और जब मैंने वो आके किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक यू नो वो एड्रेनलिन नहीं होता आप में कि मैं जाके अब ये पूरा, और जब मैंने वो किया मुझे यकीन ही नहीं आया कि एक तो मेरे मुंह से सारी पंजाबी बिल्कुल ठीक निकली और एक अजीब अंदर की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई। एंड देयर वाज साइलेंस एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग, सो दैट्स अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट। फिर एक और सीन था जहां मुझे किसी को थप्पड़ जोर से मारना था, वो मैं नहीं, हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो मेरा एडी था, वो बहुत स्वीट था। तो फिर उसने कहा आप मार दें, आप बस मार दें, और फिर जो मैंने उसको मारा था, I still till today regret it.
आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे। हम ये चाहते हैं कि लेजेंड मौला जट में आपको और बहुत सारे अवार्ड मिले, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम इंडसइंड एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। आप सारे ऑस्ट्रेलियंस के लिए, सारे सबके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारा प्यार आता है ऑस्ट्रेलिया से भी, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया आना चाहती हूँ, और जब आऊंगी तो फिर मैं सारे मीडिया से मिलूंगी और बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे। सो बहुत सारा प्यार सारी देसी कम्युनिटी को, इंडियंस, पाकिस्तानी, आई नो आई हैव सो मेनी फैंस ओवर देयर आल्सो इन इंडिया एंड आई लव देम, ऑल द साउथ एशियन कम्युनिटी, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी। 13 अक्टूबर को ये सारे पास वाले थिएटर्स में आ रही है, थिएटर्स की लिस्ट आपके पास पहुंच गई है। सो दोस्तों जाइए एंड जरूर इस मूवी को देखिए, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेटिंग फॉर यू इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। थैंक यू, थैंक यू जी। तो दोस्तों ये लिस्ट चेक कर लें आप, लिस्ट के बीच में आपको ये मालूम लग जाएगा कि आपके घर के कौन से पास वाले थिएटर में ये मूवी लगी हुई है। सो एंजॉय द मूवी द लेजेंड मौला जट। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.